विशाल में कमाए ताकि फिर से हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मोनिकाज व्लॉग में स्वागत है। सुबह से नहीं मिली है फुर्सत मोनिका जी को। 4 बज चुके हैं, अब गोवा है। थोड़ा सा मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लिया जाए, फुर्सत नहीं है सुबह से। बाजार भागो, कभी कहाँ भागो कभी कहाँ भागो, दुकान में भीड़। मेरे को 3-4 हाथ 3-4 पैर है, चारों तरफ फैलाना पड़ता है। और आज काफ़ी दिनों बाद, महीनों बाद बन रहे हैं चिकन मोमोज। सुबह भी चिकन चाउमीन वगैरह आए थे तो मैं ले आई थी बोनलेस वगैरह। सुबह ही चिकन बोनलेस चिकन भी बना दिया थाली के लिए आज। तो मैं आज पूरे दिन किचन में ही लगी रही, मतलब यहीं पे। फिर वंशिका को लेने गई तो फिर रखी और राखी वाखी मिठाई वगैरह भी लेके आ गई मैं, क्योंकि कल भीड़ रहेगा बहुत, शाम को भी बहुत भीड़ रहेगा, तो मैं वहीं से लेके आ गई फटाफट। अभी भैया घर गए हैं, अब आएंगे तो फिर मैं जाऊंगी थोड़ा सा आधा घंटा पौने घंटा रेस्ट करके खाने की तैयारी। सही है मेरा मामला तो आप लोगों को पता है, बिजी। बेटे का पार्सल भी रेडी करना है, उसका फ़ोन आया था, मम्मी आपने करा नहीं, वो लड़का कल आएगा या वो आएगा। तो मैंने कहा फिर उसके लिए पार्सल का सामान लेके आई फटाफट, और अभी पैकिंग करनी है उसकी अच्छे से, जो टूटे फूटे ना खाने की चीज़ें। घेवर बोल रहा था, घेवर मैंने कहा तेरा घेवर वहाँ पहुँचने तक तो खाने लायक नहीं रहेगा। गाइस मैं आज जिम नहीं गई हूँ क्योंकि आज मेरा शाम को बहुत ज़्यादा काम हो गया है, इसलिए हो गया है कि मुझे चिकन का ऑर्डर आ गया था शॉप में, बहुत सारे चिकन बनाने का। और फिर शॉप में चिकन बनाने के वहाँ से जाऊँगी सोचा, तो फिर कस्टमर आ ही रहते अलग अलग, कोई फ्राइड राइस कोई कुछ, तो भैया के लिए नहीं कर पाते। और प्लस मुझे अभी बेटे के लिए पार्सल भी पैक करना है, तो मैं सामान वामान लेने गई थी, तो आज सारा दिन मेरा बिजी रहा। तो मैं अभी शॉप से आई हूँ भाग के आटा लेने के लिए, गूंदा हुआ आटा ख़त्म हो गया है, रोटियाँ बनानी है, 20 रोटी का ऑर्डर है, तो मैं आटा लेने आई हूँ और जा रही हूँ शॉप फटाफट। कहा गया इसका ढक्कन, ठीक है फिर आके पैकिंग करूँगी। मैंने सोचा था अभी शाम को फ्री हो जाऊँगी तो आके फटाफट पैकिंग करूँगी उसके पार्सल की, बट नहीं वही बज गया, मुझे वही टाइम हो गया, 8 बजने वाला है, 7:45 हो गया। विशाल में कमा ला फिर से सामान गिरी। नमस्ते डियर कस्टमर, वेलकम टू विशाल विशाल मेगा मार्ट। देखिए आया है इसके मुझे कंटेनर दे दिया 99 में, ले लिया मैं शॉप में, चाहिए बहुत काम है, पैकिंग का काम है। अभी घर जाके निकालती हूँ फिर। तो गाइज आज का दिन मेरा बहुत बिजी रहा शाम को भी, और आज मैंने अच्छे से वीडियो भी नहीं बना रखी दिन से, एक दो बार बना दिया था टाइम मिल गया था। तो शॉप में भी बिजी थी, यहाँ घर के काम से बाजार के काम राखी की तैयारी ये सो। आज तो मेरा सर भी दर्द हो रहा बहुत, ऐसे हो रहा है ऐसे गर्मी से ना, गर्मी एक तो वहाँ किचन में लगे रहो वहाँ पे शॉप में, और ऊपर से गर्मी उमस, फिर भाग के दुकान आओ, कभी कभी भाग के घर आओ कुछ सामान ख़त्म हो गया, फिर भाग के कभी बाजार जा रही, कभी वंशिका को लेने, कभी क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटे का पार्सल मुझे रेडी करना है आज,
सुबह देना है क्योंकि वो लड़का परसों जा रहा है उसके वहाँ से जो आया है, ठीक है, तो उसने बोला था खाने पीने का सामान भेज देना मम्मी थोड़ा सा। भाई उसने क्या बोला था, मैं नहीं बोला उसको ज़बरदस्ती, वो तो मैं नहीं कर रहा था, मैंने बोला पता मुझे उसका नंबर से मैं क्या भेज देती हूँ, बोल के राखी एक दिन तो जा नहीं रहा है, नहीं तो राखी भेज देते, पर भेज देंगे एक राखी उसको। तो मैं वैसी चीज़ें वो बोल रहा था कि घेवर वेवर, घेवर तो ख़राब हो जाएगा क्योंकि वो पहले तो वहाँ से जाएगा, उसे 8-10 दिन लगेगा वहाँ पहुँचने में अभी ना, जहाँ पे प्रॉपर जहाँ है अभी बेटा, तो इसलिए फिर मैंने घेवर मना कर दिया उसे कि घेवर बेकार हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए लिया है ये सोन पापड़ी, 2 सोन पापड़ी लिया, ठीक है, और एक ये लेते हैं मैंने डार्क फैंटेसी उसके लिए, जैसे बॉक्स बॉक्स में लिया ना, जो दुख दुख के टूटे भी ना, टूटे ख़राब ना हो ना ये चीज़ें, और एक ये ले लिया पेठे का डब्बा, ठीक है, और ये ले लिया मैंने अंदर से अच्छे ये खाते पसंद करता है वो, मेरे भी फेवरेट है ये ले लिया अंदर से, ये ख़राब नहीं होते तो महीनों तक ख़राब नहीं होते, तो इसको ये ज़्यादा इसलिए नहीं भेजिए कि पार्सल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं तो पता नहीं क्या भेज देती मैंने बोल रहा था कि मम्मी ज़्यादा मत भेजना फिर उसको लाने में दिक्कत होगी। और उसकी फेवरेट बिस्किट जिम जैम, ये इसका फेवरेट बिस्किट मेरे बेटे का, उसका डेली का था जब यहाँ था ना, वो डेली खाता था, एक दुकान बंदी हुई थी उसकी डेली जिम जैम, एक शॉप में आता था मेरे से हेल्प करने, बस 20 रुपये मांगता था और सीधा जिम जैम। और एक मेरे को आया कंटेनर ले लिया मैंने एक ना, ये देखो 3 पीस में 99 रुपीज़ में, अच्छे अच्छा है, मतलब प्लास्टिक वैसा हल्का नहीं है, सब्जी वब्जी रखने के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ से मैं पैक करके ले जाती हूँ ना शॉप में, जैसे ब्रेकफास्ट खाना वगैरह सब्जी वगैरह रायता वगैरह, तो उसके लिए ना कम पड़ रहा था डब्बे ना, है तो बहुत सारे थे, पता नहीं कोई टूट गए, कुछ वो हो गए, कोई इधर उधर हो गए, तो लेके आई मैं 99 रुपीज़ में, क्या आता है 3 सेट आ गया, अच्छे अच्छे हैं। मैं प्लास्टिक के सामान अभी और लेके आऊँगी, मेरा अभी मुझे वो भी चाहिए, टोकरी वगैरह बास्केट वगैरह चाहिए मुझे, तो ये हो गया मेरा। और मैं ये कंटेनर ले, ये कंटेनर के लिए ये कार्टून लेके आई हूँ, एक ये लाई हूँ और एक ये लाई हूँ मांग के, अब दोनों में से देखती हूँ किसमें जो छोटा और फिट हो जाए उस पर रखती हूँ ये सामान सारे, ठीक है। और जैसे कि मैंने, हमने और वंशिका ने, तो जैसे वंशिका और मैंने तो अपने लिए नई ड्रेस ले ली, हम लोग दशहरे में रक्षाबंधन में, और ये तुम्हारा भाई ठीक है, मैं नए कपड़े ही लगाते हैं हम लोग हमेशा, मतलब नए लेते हैं हम लोग कपड़े ना, मैं बच्चों के लिए नए लेती हूँ, अपने लिए भी नए लगाती हूँ मैं, दिवाली के जो भाई टीका होता है उसमें, भाई दूज में, और इसमें रक्षाबंधन में और दशहरे में, तो मैंने अपने भाई के लिए भी एक ले लिया कुर्ता वहीं से सलेगा से, जींस के साथ लगाने के लिए एक कुर्ता उसके लिए भी ले दिया मैंने, ये अभी जाके लिया मैंने उसके लिए, उसके लिए उसको घुमा के लगाएगा तभी राखी बांधवाएगा, मैंने कहा हम लोग लगा रहे हैं तो उसके लिए भी ले लिया मैंने एक। हाँ कीड़ा, तो मैं करती हूँ पैकिंग शुरू, ऐसी पैकिंग करनी पड़ेगी कि ज़्यादा बड़ा भी ना लगे, रेयर इसका तो आधा तो हिस्सा है नहीं, इसका फाड़ के नहीं चिपकाना पड़ेगा, इसको ही डालती हूँ। इसमें पहले मैं डालती हूँ ये कपड़े के लिए, इसको डाल देगा पहले, इसको फिर इसका जो तो
इसमें सब सामान, अभी तो कुछ और भी आ सकता है, देखती हूँ कुछ और डाल सकती हूँ, नहीं यार भारी हो जाएगा फिर बेचारे को, तीन चार के पेटे हो गया ये इसका। तो इसको ना चिपकाऊंगे सुबह हम लोग, क्योंकि अभी इसमें हम कुछ और आइटम भी रख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस है। सुबह चिपका दूंगी, मैं बोल देती हूँ उससे, हाँ मैंने पैकिंग कर दी है, सुबह छोड़वा दूंगी। उसने बोला था मम्मी मुझे फ़ोन कर देना जब हो जाएगी पैकिंग, तो पैकिंग होगी ऑलमोस्ट, बस इसको ऊपर से टेप से अच्छे से करना है, यहाँ पर नाम वाम लिख देना है उसका, और तब उसको मैं सुबह इसको छोड़ दूँगी जहाँ पर उसने बोल रखा है ना एक शॉप में छोड़नी है। तो वंशिका के लिए इसमें एक आइटम और डाल देंगे हम, कार्ड वार्ड बना रही है वो अपने भाई के लिए, बोल रही है कि वो बना के देश के अंदर हैप्पी रक्षाबंधन का। ठीक है ठीक है, तो मैं बाकी काम अब निपटाती हूँ, मेरा भूख भी लग रही है मुझे बहुत तेज आज, तो खाना खा के उसके बाद फिर किचन समेटती हूँ और सोने की कोशिश करती हूँ जल्दी। आजकल तो मुझे नींद आ जाती है बहुत जल्दी, जैसे मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ मेरे आगे जम होती रहती है, मैं सो जाती हूँ आधा करके, फिर सुबह उठ के करती हूँ, फिर मैं 12:30 11 मतलब 12 बजे से पहले मुझे नींद आने लग जाती है आजकल, 12 बजे तो सो जाती हूँ। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और कल है रक्षाबंधन और कल हम जाएंगे मायके, और सुबह से ही हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तागाड़ी बटी लोस नहीं पता, मेहंदी मेहंदी को ले रहा थी। तो गाइस थोड़ी सी मेहंदी लगाई मैंने, रक्षाबंधन में थोड़ा सा लगाती हूँ मैं हमेशा, मार्केट में लगाने का मन था बट स्कूटी चला के कैसे आती फिर, तो इसलिए घर में एक लड़की है पीजी की उससे लगवाया आज मेहंदी थोड़ा सा, और वंशिका लगा रही है, और 12 बजने वाले हैं, नींद आ रही है आँखों में बहुत तेज। ठीक है गाइस, कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, बाय, गुड नाइट।